ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मेरा आप सबसे वादा है 31 दिसंबर को इंशाल्लाह जिस तरह हमने सियालकोट का इफ्तिताह किया था इससे बेहतर और बड़ा इफ्तिताह हम जेलम में करेंगे। 2011 में सिटी शुरू हुआ था और सिंधु साहब इधर बैठे हैं, उनको पता है वो 22 एकड़ जगह थी हमारे पास। आज हम 7 हमारे टाउन हैं, 7 सोसाइटी हैं 5 शहरों में। मुझे लगता है कि जो हमारी 10 साल की जर्नी थी ना वो अब जाके पूरी हुई है और अब जाके हम पंजाब के सबसे नंबर वन हाउसिंग स्कीम है और अब यहाँ से हमने एक नई जर्नी शुरू करनी है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम बने और ये सारा क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं, चेयरमैन को नहीं, ये हमारी जितनी भी टीम है हमारे लिए काम करती है, हमारा जितना स्टाफ है और उससे इक्वली हमारे डीलर्स, हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे रेजिडेंट्स को उतना ही जाता है। थैंक यू अगेन, आप लोग सारे आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आतिफ महमूद बैरियर रियल इस्टेट से मैं बात करूंगा आज के प्रोग्राम के हवाले से। डांसिंग फाउंटेन की आज ब्रेकिंग सेरेमनी थी और डिस्ट्रिक्ट जेलम के रिहायशियों ने और डीलर्स और इन्वेस्टर्स ने भरपूर शिरकत की है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम को कामयाब करने में और दुआगो हूँ सिटी हाउसिंग के लिए जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया। आज जिस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है सिटी हाउसिंग का, एक कामयाब प्रोग्राम हुआ है और जिस तरह डांसिंग फाउंटेन का हमने संग बुनियाद रखा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग जेलम एक दौरे जदीद का शहर हमारे इलाके में आ रहा है। ये जेलम शहर एक कदीम शहरों में काउंट होता है और आज यही शहर एक मॉडर्न सिटी में काउंट होगा और जिस तरह एशिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन यहाँ आ रहा है और मलिक जुरेज साहब ने जिसने प्रॉमिस किया है कि न्यू ईयर ईव हमारी इंशाल्लाह डांसिंग फाउंटेन के साथ होगी। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने आज हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में, अर्थ ब्रेकिंग का प्रोग्राम था हमारा आज यहाँ पर फाउंटेन का और ये पाकिस्तान का माशाल्लाह सबसे बड़ा फाउंटेन बनने के लिए जा रहा है। जेलम के अंदर, जेलम को एक कदीम शहर की हैसियत तो पहले से हासिल थी और एक जदीद चीज़ें और जदीद सहूलियात के साथ यहाँ पर अब इसको सिटी हाउसिंग जो है उसको जदीद तर्ज के ऊपर भी डेवलप करती जा रही है। लोगों में एक नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लोगों को एक्टिविटी मिल रही है यहाँ पर आने के लिए। मेरे ख्याल में पहले लोगों को एक ज़रूरत महसूस होती थी एक्टिविटी, कोई एंटरटेन होने के लिए दुबई या दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ता था, अब यह तमाम सहूलियात आपको ऐसा ऐसा आपके जेलम शहर के अंदर मुहैया हो जाएंगी जिसके लिए हम तमाम डीलर्स, ऑथोराइज डीलर्स की तरफ से मैं मलिक जुरेज साहब का, मेजर आमिर इसहाक मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सिटी हाउसिंग का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने इन्वेस्टर्स और अपने जितने भी हमारे रिहायशी हैं सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस इवेंट को कामयाब बनाने के अंदर और ये सारी चीज़ों में। हमारे साथ जितने डीलर हजरात हमारे साथ शामिल हैं मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इन्वेस्टर्स को और सब लोगों को मैं मधु करता हूँ कि आए जेलम में, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, कदीम शहर के साथ अब इसको एक नया ट्रेंड मिल रहा है, यहाँ पर जिद्दत की तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ आपको सिटी हाउसिंग में मुहैया होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको किसी और शहर या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सालिम जी, आज हमारा बड़ा खुशी का लम्हा है, उसकी वजह क्या है कि जो एक वादा किया हुआ था हमारी मैनेजमेंट ने, स्पेशली जो चेयरमैन है मलिक आमिर साहब और इसके अलावा जो हमारे सीईओ हैं दुरेश साहब, के एशिया का सबसे बड़ा फाउंटेन बनाने हम जा रहे हैं आज और ये बड़े ऑनर की बात है स्पेशली पूरे ज़िला जेलम के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जेलम जो है सबसे छोटा ज़िला आता है और लेकिन सबसे अच्छी जो बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा जो डांसिंग फाउंटेन है आज उसका संग बुनियाद रखा गया है, तो मैं खसूसी तौर पर अपने तमाम मैनेजमेंट का, सिटी हाउसिंग जेलम का और डीलर ब्रादरी का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, उनको स्पेशली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वाकई आज के दिन के हवाले से वो खसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल है, मैं सदर हूँ बिल्डर एसोसिएशन सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम का। आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और ये जो डांसिंग फाउंटेन का आज संग बुनियाद रखा गया है उसका सारा क्रेडिट चेयरमैन सिटी हाउसिंग सोसाइटी मेजर मलिक आमिर इसहाक और सीईओ मलिक जुरेज साहब को जाता है और इस प्रोजेक्ट का सिर्फ ज़िला जेलम को नहीं फ़ायदा, ज़िला जेलम, ज़िला मंडी बहाउद्दीन, ज़िला गुजरात के लोगों को एक तफरी का मुकाम भी होगा।